हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं चाइनीज़ सूप कैसे बनता है। उसके लिए मैंने ये सॉस लिया हुआ है और सब्जी को चॉप्ड करके ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, ये जिंजर और गार्लिक एंड थोड़ा सा अजीनोमोटो, सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लावर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। ये पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है और इसमें जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिल्ली तीनों एक साथ में मैंने डाल दिया। इसको पकाना नहीं है, हल्का सा डालने के जस्ट बाद ये सारे सब्जी डाल देना है। सब्जी को भी पकाना नहीं है, ध्यान रखें हम चाइनीज़ बना रहे हैं, मसालेदार सब्जियां ये सब नहीं बना रहे हैं। इसमें हम सॉस यूज़ करेंगे, चाइनीज़ में हम सब्जी को पकाते नहीं हैं। इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, 2 से 3 पिंच मैंने ब्लैक पेपर डाला है और इसको हल्का सा पकाइए, ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जी को अच्छे से इसको चलाइए और फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सब्जी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 बाउल मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, मैं 2 जन के लिए बना रही हूँ इसलिए 2 बाउल यूज़ कर रही हूँ। इसमें सॉस ऐड करेंगे, ये चिली सॉस में सॉरी विनेगर डाला और चिली सॉस एंड सोया सॉस, बस कलर आने के लिए हम सोया सॉस डालेंगे, ज़्यादा नहीं सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं। और नमक, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। ये अजीनोमोटो मैंने डाला थोड़ा सा, मैं अजीनोमोटो कम यूज़ करती हूँ, अजीनोमोटो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लावर रखा था वो कॉर्नफ्लावर हल्का सा पानी उसमें डाल के और हल्का हल्का 1-1 टेबल स्पून डाल के पहले चला के हम देखेंगे, हल्का सा थिक चाहिए हमें, थोड़ा पतला दिख रहा है। हाँ हल्का सा और इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लावर, जैसे ही थिकनेस आ जाए बस आप बंद कर दीजिए इसको ऐड करना। हल्का थिक दिख रहा है, इसको 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। देखिए हमारा सूप रेडी हो गया, बस अब सर्व कीजिए।